कसरावत नगर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम भिलगांव स्थित महिमा फाइबर्स कंपनी के मजदूर की मौत के बाद परिजनों व मजदूरों ने हंगामा कर दिया। 2 घंटे से अधिक समय तक कंपनी के गेट पर लोग जमा रहे। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने भी पहुंचकर प्रबंधन में चर्चा की और परिजनों को समझाइश दी गई। जानकारी के अनुसार ग्राम बामंदी निवासी सावन पिता माधव चौहान उम्र 24 वर्ष महिमा फाइबर में नौकरी कर रहा था। मंगलवार की रात को ड्यूटी पर आया और वापस लौट गया। बुधवार को भी ऐसा ही हुआ, घर लौटते समय उसकी मौत हो गई। गौला क्षेत्र में इसका शव देखा गया। सूचना मिलते ही परिवार सदस्य भिलगांव पहुंचे और देर रात तक गेट पर शव रखकर प्रदर्शन करते रहे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मामला हुआ यहां पर महिमा फाइबर में। महिमा फाइबर में हादसा नहीं हुआ है, यहाँ पर वर्कर था जो अपनी ड्यूटी करके अपने घर बेगंदा जा रहा था, तो रास्ते में सूचना मिली कि एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। जो हमें तत्काल हमारे पुलिस फोर्स से गई, मैं भी पहुंचा, तहसीलदार साहब को लेके गए साथ में। देखा तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, प्रतीत हो रहा था कि जहर वगैरह पिया है, तो हम उसको तत्काल घर वालों को खबर करके कसरावत अस्पताल ला रहे थे। तो परिवार वालों का कहना था कि हमारा लड़का वहाँ पर काम करता था, जिससे वहाँ पर परेशान होता था, इसलिए उसने जहर खाया होगा, सुसाइड किया होगा। तो परिवार को समझाया कि चलो हम इस संबंध में बात कर लेंगे, फिर भी परिवार वाले जन नहीं माने कि हम वहीं जाके बात करेंगे, तो यहाँ कर लाके हम बातचीत कर रहे हैं। लिमिटेड में एक शावन पटेल विगत 2 साल से ड्यूटी कर रहा था और मानसिक हड़ताना 1 महीने से उसको हो रही थी। हमने परिजनों को बताया, कल नाइट को वो ड्यूटी आए और उसको वापस भगा दिया गया था और आज भी सुबह से ड्यूटी आने के बाद में उसको भगा दिया गया और रास्ते में भगाने के बाद में वो मानसिक परेशान हो गया और उसकी बाइक से गिरने से मौत हो गई। महिमा फाइबर में यहाँ का घटनाक्रम बता रहे हैं कि यहाँ का जो एम्प्लॉय था उन्होंने गौला रोड पे सुसाइड कर लिया। उसके बाद में वहाँ से डेथ बॉडी को उठा के अपने यहाँ पर फैक्ट्री में ले आए हैं और मैनेजमेंट से मांग कर रहे हैं कि आर्थिक सहायता दी जाए और एक व्यक्ति को यहाँ पर नौकरी में रखा जाए। अब इनकी तरफ से चर्चा का दौर चल रहा है। सामने वाले पक्ष ने 30 लाख का रखा है और इधर से बात है कि 4 लाख का, और हम मध्यस्थता करके इसमें बीच में इसको मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।